तो जो हम बोलते थे ना कि चश्मा और सब कुछ मोबाइल वगैरह ले जाते हैं ना, ये देखिए ये ना किसी के हेडफोन ले गए हैं, और जब तक इनको फ्रूटी नहीं मिलेगी ना जब तक ये देंगे नहीं। ये फ्रूटी लेके आए हैं, ये देखिए फ्रूटी दे के आएंगे आप देखा देखा ए ओ पकड़ा दी ओ देखो ओ ओ देख घेर दिया ना, जब इनको फ्रूटी मिल जाती है ना ये दे देते हैं। ओहो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे राणा पंजाबी ब्लॉग च तुहाडा स्वागत है, ते राणा पंजाबी ब्लॉग तुहाडा स्वागत है, राधे राधे सभी को। लो जी हम आपको पता ही है वृंदावन आए हुए हैं और हम अभी नहा धो के तैयार हो गए हैं और आज हम यहाँ से अपना रूम चेकआउट कर रहे हैं। हम जा रहे हैं, अंग्रेजी हमें आती नहीं है, कम आती है, हम जा रहे हैं अपना रूम छोड़ के, फिर हम आज जाना है ना, इसलिए हमने रूम छोड़ दिया है। और दोस्तों आज चले जाएंगे हम, क्योंकि ना अभी जाएंगे हम, हमने बांकी वारी के दर्शन कर लेंगे, गुरु जी के पास जाएंगे और वहाँ से आज्ञा लेके रात वाली ट्रेन है यहाँ से हम चलेंगे, फिर कल सुबह पहुँच जाएंगे अपने घर। ठीक है दोस्तों, पहले अभी जाएंगे हम अपने बांकी वारी जी के दर्शन करने और फिर जाएंगे हम निधिवन, फिर जाएंगे हम गुरु जी के पास अपने तटीय स्थान, फिर अभी हम जाएंगे नाव में भी जाएंगे आज। ठीक है दोस्तों, और फिर जाएंगे हम गुरु जी से आगे लेके अपने घर की ओर जाएंगे, रात को हमारी ट्रेन है जो वो पकड़ के। ठीक है दोस्तों, और चलो जी अभी हम नहा धो के तैयार हो गए, अभी अपना रूम खाली करते हैं और इसकी जो पेमेंट है वो दे के अपना फ्री हो जाए। लो जी दोस्तों, अभी तो 12 बजे तक वैसे रूम अपने पास है, पर हम सुबह 7 बजे से शाम के साथ सुबह के साथ हो गई है, टाइम तो वैसे हो गया है, पर हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम चलते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है। आएंगे बैग लेने आएंगे यहाँ पे, तो नहा धो लेंगे फिर भी, तो रेडी शेडी हो जाएंगे सब, तो यहाँ से निकल जाएंगे। चलो जी मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में, अभी हम सेटिंग कर ले अपने कपड़े वगैरह, देखिए जैसे हमने बैग पैकिंग कर रहे हैं हम, ये देखिए पैक हो रहा है बैग वगैरह। चलो जी दोस्तों, और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ठीक है दोस्तों, लो जी दोस्तों हो गए हैं प्रॉपर तैयार हो गए हैं दोस्तों, चलो जी अभी चलेंगे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, और अभी तैयार हो गए हैं, आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं फुल तैयार हो गया हूँ, चंदन वगैरह लगा लिया हूँ और हो गया हूँ ब्रिजवासी। चलो जी दोस्तों मिलेंगे थोड़ी देर में आपको। ठीक है दोस्तों, लो जी दोस्तों हमने अपना रूम अभी तक खाली कर ही दिया है, खाली नहीं किया है हमने, यहाँ पर ना बैग रख दिए अभी तो, क्योंकि हम आए गए ना, आया हूं बाबे, ओ आया। लो जी दोस्तों हमारे जो साथी हैं ना वो बहुत लेट करते हैं और दिन भर खबर सुनते हैं। चलो जी दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, लो जी हम आ गए हैं अपने रूम से, और हमारी जो धर्मशाला है ना शहर की, वहाँ हर रोज़ सुबह चाय ब्रेड का लंगर लगता है, और ये देखिए कितनी बड़ी लाइन लगती है हर रोज़। ये हमारे नाभा वाली धर्मशाला के में हर रोज़ चाय का लंगर लगता है ब्रेड के साथ। दोस्तों ये देखिए हम, हमारी धर्मशाला है हमारे शहर की, और ये हर रोज़ यहाँ लंगर लगते हैं, हमारे शहर की है नाभा की धर्मशाला। चलो ये अब बांके बिहारी चलते हैं, जय श्री राधे राधे। लो जी दोस्तों हम आ रहे हैं और परिक्रमा मार्ग पे परिक्रमा लगा रहे हैं, और अभी हम जाएंगे केसी घाट, वहाँ से लेंगे नाव, नाव में जाएंगे हम अपने तटीय स्थान है। लो जी दोस्तों हम तटीय स्थान जाएंगे, जय गौ माता, जय गौ माता। लो जी दोस्तों गौ माता भी हमारे साथ परिक्रमा लगा रही है वृंदावन की, और लो जी दोस्तों अभी माहौल थोड़ा सा शांत है क्योंकि ना अभी मंदिर खुले नहीं है, आधा घंटा पड़ा है अभी मंदिर खुलने का, दर्शन खुलने का, जो कि जब खुल जाएंगे ना तो यहाँ भीड़ ही भीड़ हो जाती है। और दोस्तों चलो ही चलते हैं, अब हम नाव में चलेंगे और नाव में आपको दिखाएंगे फिर कैसे मज़े आते हैं, और किश्ती चलाएंगे दोस्तों किश्ती। चलो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में, चश्मा इसलिए रखा हुआ है, लगाया नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ बंदर ले जाते हैं उतार के। ठीक है दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में आप।
लो जी दोस्तों, हम आ गए हैं मदन मोहन जी मंदिर। ये देखिए, आपको दिखाई देख रहा होगा मदन मोहन जी का मंदिर, और यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी इसकी गाइडलाइंस हैं, जो भी यहाँ हुआ है सब कुछ यहाँ लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं उसको। और लो जी दोस्तों, 1590 में बना था ये, और ये बहुत बढ़िया मंदिर है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ हरियाली हरियाली है, और थोड़ा सा अभी ना मेंटेनेंस चल रही है थोड़ी सी, और कार सेवा चल रही है मंदिर के। मदन मोहन जी का मंदिर है, और उन्होंने बनाया था ये। ये राजस्थान चले गए, गुजरात राजस्थान चले गए हैं ये। अभी मदन मोहन जी मंदिर जो कि लॉज दोस्तों, ये सब कुछ लिखा हुआ है इनके बारे में। और ये औरंगजेब का जब ज़माना था ना, तब ये यहाँ पे बहुत वो यहाँ कहर ढा रहा था, जो कि ये अपने श्रद्धालुओं को बचाने के लिए यहाँ से निकल गए, और यहाँ इनको इतना बड़ा भव्य मंदिर यहाँ छोड़ के चले गए। बहुत बड़ा मंदिर है, जो कि अंग्रेज जो उसने क्या नाम है औरंगजेब ने ये बहुत ही खंडित कर दिया था, तोड़ दिया था। चलो जी, अभी भी चल रही है कार सेवा। और ये देखिए सीढ़ियाँ वही पुरानी हैं, प्राचीन, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा महसूस होता है आके। तो पुराने ज़माने में बहुत सारे मंदिर यहाँ बनाए हुए हैं संतों के, जो अभी तक हैं, और जब ज़माना और उनका था, मुगल बोलते हैं उसको, हाँ उनका ज़माना था ना, तो उन्होंने यहाँ बहुत कहर के साथ ये मंदिर पे हमला किया हुआ था, इसलिए वहाँ डरते तो है नहीं थे, पर अपने जो थे श्रद्धालु थे उनके लिए वो ये मंदिर ही छोड़ के चले गए, राजस्थान चले गए। कहाँ पे राजस्थान? राजस्थान करौली, करौली में चले गए, राजस्थान करौली। ये देखिए, इन मंदिरों से डर बहुत लगता है। लो ये कभी जयपुर जाएंगे ना, तो वहाँ भी दर्शन करवाएंगे आपको। देखिए हम आ गए हैं अंदर, ये देखिए कितना बढ़िया मंदिर है। ओह, लाल पत्थर का बना हुआ है ये। अभी ना कार सेवा चल रही है इसकी, ये देखिए लगे हुए हैं कार सेवा करने के लिए, अभी कार सेवा चल रही है यहाँ। ओहो, थक गए हैं दोस्तों, और देख कितना सुंदर लग रहा है यहाँ, बहुत ऊंचाई है पूरा। लो जी, कार सेवा लगी हुई है। चलो जी, बहुत बढ़िया हुआ ये तो, नहीं तो आज देखो जी कार सेवा चली हुई है, बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है, कोई देख रहा है। चलो कुछ तो, कितना सुंदर, कितने हाथ से मैं लगा, देखो ये कारीगरी सारी हाथों से हुई हुई, ये देखिए ये सारी हाथों से कारीगरी हुई हुई है, और अभी मॉडिफाई हो रहा है। ये देखिए मंदिर है प्राचीन, ये देखिए संत महाराज जी का, जय श्री राधे। लो जी, मदन मोहन जी का मंदिर है ये, और ये यहाँ से भी एंट्री है इनकी, ये एंट्री गेट है। और ये देखिए, लो जी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है मंदिर, और ये देखिए प्राचीन मंदिर है, कितने बड़े बड़े गेट बने हुए हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर है, आपको इसी तरह मंदिरों के दर्शन कराएंगे जहाँ तक हो पाए। और ये मंदिर मॉडिफाई हो रहा है, कलकत्ता के सेठ ने बनाया था, किसी ने, कलकत्ता के सेठ ने, कलकत्ता के सेठ ने, नाव यहाँ जमुना में फंस गई थी, लॉ मदन मोहन जी ने उसकी नाव निकाली। लॉ ये कलकत्ता के सेठ ने बनाया था, यहाँ आए थे वो, उनकी यहाँ ना नाव फंस गई थी, और इन जो जिनका ये मदन मोहन जी का मंदिर है, उन्होंने उनकी सहायता की थी निकालने में, मदन मोहन जी सरकार, ठीक है सरकार ने। और ये ठाकुर का रूप है, ये भी मदन मोहन जी, और इनके दर्शन करने बहुत लोग आते हैं, और बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। ये घूमट ना औरंगजेब के ज़माने में उन्होंने तोड़ा हुआ है, जैसे इनका बना हुआ ना, और इसका भी टूटा हुआ था, इसका भी ऊपर से टूटा हुआ है, ज़्यादा बड़ा था ना, इसलिए उनसे टूटा नहीं है, नहीं ये भी तोड़ देते, पत्थर का था, पत्थर का था, प्योर पत्थर का बना हुआ था, और इतनी ज़बरदस्त बना हुआ था कि वो बम से भी नहीं उड़ा है। नहीं, उन्होंने ये तोड़ने की कोशिश जरूर की है, जो तोड़ा भी हुआ, उन्होंने दो मंदिर तोड़े भी हुए हैं, जो अभी कार सेवा जारी है उनकी।
चलो दोस्तों अगले मंदिर में आपको दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। हमने ना देखिए, चलो जी मिलते हैं अगर थोड़ी देर में आपको, ठीक है दोस्तों। तो जी दोस्तों हमने मंदिर और मदन मोहन जी के महाराज जी के दर्शन कर लिए हैं, पंडित जी ने हमारे दर्शन करवा दिए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, अब हम मन खुश हो गया है दोस्तों। चलो जी मिलेंगे थोड़ी देर में, दर्शन हो गए हैं और चलते हैं अब चप्पल वगैरह पहन के और अब इधर से निकलेंगे हम, देखते हैं। चलो जी अभी हमारे साथ ही टेक रहे हैं मत्था, चलो चलते हैं। और बहुत जल बहुत स्वाद मीठा था, चलो जी मिलेंगे थोड़ी देर में। कितने जाना वा? लो जी दोस्तों दर्शन हो गए हैं श्री मदन मोहन जी महाराज जी के, ये देखिए लोग बहुत आ रहे हैं दर्शन करने के लिए श्रद्धालु, और ये देखिए सारी कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। चलो ये अब चलेंगे हम नाव में, चलना है नाव में चलेंगे अब दोस्तों, नाव में, ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों हम आ गए हैं बाजार में, मेला लगा हुआ है, ये देखिए बाजारा है, अभी खिलौने की दुकान लगी हुई है, ये देखिए बाजारा था कि रुक गया है हमें लेने कि मुझे ले जाओ, और वो ढोल बजा रहा था कि हमें ले जाओ, है ना। लो जी दोस्तों चलो जी अभी देखिए कितनी सारी भीड़ है, और हम जाएंगे अभी नाव के पास, नाव लेंगे तो उसमें हम करेंगे नाव चलाएंगे। लो जी दोस्तों कितनी अच्छी अच्छी दुकानें और छवियाँ देखिए, ठाकुर जी की, श्याम जी की और खाटू श्याम जी की, कितनी बड़ी सुंदर दुकान है, और ये देखिए कितनी सारी दुकानें लगी हुई हैं। चलो जी दोस्तों मिलते हैं अगर और नाव में जाके जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो हम बोलते थे ना कि चश्मा और सब कुछ मोबाइल वगैरह ले जाते हैं ना, ये देखिए ये ना किसी के हेडफोन ले गए हैं, और जब तक इनको फ्रूटी नहीं मिलेगी ना जब तक ये देंगे नहीं, ये फ्रूटी लेके आए हैं, ये देखिए फ्रूटी दे के आए हैं, अब देगा देखा ए ओ पकड़ा दी, ओ देखो ओ ओ देख घेर दिया ना, जब इनको फ्रूटी मिल जाती है ना ये दे देते हैं। परना भी ले लिया, परना भी ले गया था दोस्तों, ये मजाक उड़ाने लग जाते हैं ना लोग, तो इसके लिए ये बंदर उनको सबक सिखाते हैं, ये बंदर सेना है इनकी। लो जी दोस्तों मजा आ गया दोस्तों, चलो जी दोस्तों मिलेंगे थोड़ी देर में, यहाँ बहुत भीड़ है और आवाज भी बहुत आ रही है, चलो जी दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में। लो जी दोस्तों हम ले रहे हैं अब थोड़ा सा जो कि ये हैं तिलक लगाने के लिए हैं, जैसे राधे राधे श्याम महाकाल सब कुछ मिलता है यहाँ, और ये क्या लगा के दिखाए आपने उस पर, ये ऐसे लगाया जाता है, लगा के दिखाई, लो ये ऐसे लगाया जाता है, ये उसमें अपने चंदन में डुबो के ऐसे इसका तिलक लगाया जाता है दोस्तों, और ये देखिए, और ये मेरी बहन लगी हुई है बेचने के लिए और पूरी मेहनत कर रही है, यहाँ कुछ लोग हैं वो मांगने पे लगे हुए हैं, और अभी अभी हमारा पीछा पड़ गया, पीछे पड़ गए थे मांगने वाले, और ये बहन का बहुत बहुत हम वो खुश होते हैं देख के कि बहन ने दुकान लगाई हुई है इतनी बढ़िया, और इस बहन का पूरा साथ दें, यहाँ अपना सामान वगैरह खरीद के लेके जाएँ, और बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो लोग यहाँ मांगने के सिवा कोई काम ही नहीं है। और ये देखिए बहन है मेरी जो कि काम करके अपना गुजारा करते हैं यहाँ, ये सबसे बढ़िया है, नहीं कोई नया बंदा आता है ना, हम पिछले बार नया बंदा लेके आए थे, ये माहौल देख के मांगने वाला वैसे वाला देख के वो अगली बार आया ही नहीं है हमारे साथ, बोला कि हम वहाँ जाएंगे ही नहीं, उस बंदों के लोगों के कारण यहाँ माहौल ख़राब होते जा रहा है, कुछ पंडितों के जो वैसे भी माहौल ख़राब हो रहा है कि वो कुछ पैसे ले कर दर्शन करवाते हैं, तो माहौल दिन पर दिन ख़राब होता जा रहा है, और संगत भी यहाँ कम होती जा रही है, जैसे कि देखिए यहाँ कुछ टाइम पहले ना पैर रखने को जगह नहीं होती थी, क्योंकि आज की डैम में कोई बंदा यहाँ आता ही नहीं है, इसी कारणों के लिए यहाँ इन लोगों का भी दुकानदारी बहुत कम होने लगा है, क्योंकि कुछ कमियाँ होती हैं यहाँ, कमियों के कारण बंदा बहुत ही यहाँ आने कम लग गए हैं, आने समय में बहुत ही कम आए करेंगे, क्योंकि यहाँ बंदे ना और काम तो करते नहीं हैं मांगने के सिवा, यहाँ दर्शन करने आए हैं और दर्शन करें और आनंद लें सारे अपने जीवन का, ठीक है दोस्तों। और चलो जी मन से जो सच्ची बातें होती हैं वो निकल ही जाती हैं, चलो मिलेंगे थोड़ी देर में, ठीक है दोस्तों। लो जी दोस्तों हम आ गए हैं जमुना जी, और देखिए लोग आ रहे हैं, नहा के भी आ रहे हैं, और
दर्शन करके भी आ रहे हैं और नाव में भी जाके आ रहे हैं। हैं लो जी हम भी आ रहे हैं जमुना जी। ये देखिए जमुना जी का रास्ता है, आपको दिखाएंगे अभी आगे। यहाँ दुकानें खुल गई, अब तो बहुत ही यहाँ मेला लगने लग गया यहाँ यमुना पे। और ये देखिए यहाँ पर को दिखा देते हैं थोड़ा सा, और हम जाके आपको पूरा दृश्य दिखाएंगे यमुना जी के बहते हुए दिखाएंगे यमुना जी। ठीक है, वृंदावन यमुना जी के दर्शन कराएंगे आपको, और हम नाव में बैठ के जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तटिया स्थान जाएंगे दोस्तों, तटिया स्थान जहाँ भी लेके जाएगा वो। ये देखिए यमुना जी के पास भी वाटर कूलर लगा हुआ है दोस्तों, सब सुविधा यहाँ है उपलब्ध, कुछ मर्जी ले सकते हैं और दर्शन भी और भजन भी सुन सकते हैं। ये देखो भजन चल रहे हैं ना, लाइव भजन चलते हैं यहाँ हर। ले देखिए आगे हैं यमुना जी, हम जय हो गौ माता भी आ गई हैं, चारा भी डाल सकते हो यहाँ। और ये देखिए यमुना जी पहुँच गए हैं हम। ये देखिए अब यमुना जी आपको दिखाई दे रही है ना, तो ये देखिए हम आ गए हैं यमुना जी। और यहाँ देखते हैं कोई नाव में ले जाने के लिए तैयार होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पैसे भी बहुत मांगते हैं ना, और देखेंगे कौन जाएगा या नहीं जाएगा। और लो जी नाए नाए खड़ी हैं, आपको दिखा देता हूँ कितनी नाव खड़ी हैं। लो जी हम पंजाबी जी ना किश्तियाँ बोलते हैं। देखो जी राधे राधे, अभी देखते हैं कौन जाएगा कौन नहीं नाव में, अभी हम सेटिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए चढ़ गए हैं लाउड स्पीकर, बहुत बढ़िया यमुना जी। लो जी दोस्तों, लो जी दोस्तों ये देखिए हम आए हैं नाव में, अभी रेट बढ़ नहीं रहा है, रेट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और सारे महंगा रेट बोल रहे हैं, कोई 400 रुपये बोल रहा है, कोई 600 रुपये बोल रहा है, कोई 1000 रुपये बोल रहा है। ये नाव हमने ख़रीदनी नहीं है, नाव में हमने जाना है। ये सारे बंदे बोल रहे हैं इतने पैसे इतने पैसे। ये देखिए अंग्रेज हैं दर्शन कर रहे हैं, ये देखिए दोस्तों सारे लगे हुए हैं। लो जी दोस्तों, और कितनी यमुना जी में लोग नहाते हैं स्नान करते हैं, ये देखिए दोस्तों। और हम भी अभी हम तो नहा के आए हैं, और चलो जी देखते हैं, आवाज़ तो लगा रहा है नाव वाला, और देखते हैं लेके जाएगा भी या नहीं। रेट ही बहुत है इनका, प्राइस ही बहुत मांगते हैं। चलो जी देखते हैं, जहाँ तक बन जाएगी बात तो चलेंगे साथ में। लो जी दोस्तों हमारा प्राइस सेट हो गया है, हमने नाव ये खरीद ली है दोस्तों, एक हमने खरीदी है 3.5 करोड़ रुपए में। लो जी हमने नाव खरीदी है इस भाई से 3.5 करोड़ रुपए में, ये नाव ले ली है हमने, ये हमें मिली है सिर्फ अपने। और लो जी दोस्तों हमने खरीद ली है, लो जी दोस्तों हमने नाव ले ली है, खरीद ली है दोस्तों 3.5 करोड़ में, और हम जा रहे हैं नाव में दोस्तों। लो जो हम 2.5 करोड़ रुपया दे देंगे आपको, कोई बात नहीं है। लो दोस्तों हम जाएंगे अभी नाव में, हम जाएंगे तटिया स्थान दोस्तों। चलो जी मिलते हैं फिर आपको, नाव में जाएंगे, अब स्टार्टिंग हो रही है यहाँ, और चलो जी चलते हैं अब थोड़ी देर में। चलो जी भाई साहब, और ये देखिए दिए भी लगे हुए हैं, देखिए ओहो दिन में ही लगे हुए हैं। चलो जी स्टार्ट हो गई है हमारी, राधे राधे। लो आ गए हैं हम नाव में, करेंगे अब। लो दोस्तों गाने नहीं भजन बोलो, लो दोस्तों भजन चलेंगे। लो मोबाइल में वीडियो बन रही है, पूरे के चीरघाट आ गया है, हम अभी नजारे ले रहे हैं चीरघाट के दोस्तों। ये देखिए मजा आ गया है, सारे यहाँ नाव में बैठ के जाते हैं। ये देखिए चीरघाट है, और ये यमुना जी के फुल मजा आ रहा है, आय हा हा आनंद आ गया दोस्तों, आनंदमयी आनंदमयी। बोलो श्री राधे राधे, यमुना मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो। ये देखिए बहुत ही अद्भुत नजारा, ये है केसी घाट दोस्तों, केसी घाट, ये देखिए केसी घाट है, हम केसी घाट के पास आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों ओए ओए ब्लॉगिंग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, और हम भी कर रहे हैं, आनंद ही आनंद यमुना मैया की जय, वो कांके बिहारी लाल की जय,
लाई दोस्तों मजा आ गया है, लाई हमने नाव में मजा आ गया है, ले रहे हैं नजारे नाव के। और ये देखिए हमारे पास ओम प्रकाश जी हैं, कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। देखिए लॉज दोस्तों हम किस्ती से उतर गए हैं और हम ओ छोड़ आए हैं नाव और हम जा रहे हैं अब तटिया स्थान। ये देखिए हम पैदल जा रहे हैं तटिया स्थान में और चलो जी मिलते हैं फिर आपको तटिया स्थान के दर्शन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है, वैसे हम चोरी छिपे बना लेते हैं। गुरु जी के तो आप गुरु जी के तो दर्शन करा ही नहीं पाएंगे आपको, पर हमारे पास गुरु जी की फोटो है, छवि है, उसको हम लगा देंगे, आप दर्शन कर लेना। ठीक है दोस्तों।